आज सभी परेशान है कोरोना से, ओमिक्रॉन जैसा बीमारी से, लेकिन इन परेशानियों में से भी एक बड़ी परेशानी है धर्मांतरीकरण। खास करके भारत में और विश्व भर में, भारत में जो सनातन धर्म के लोगों को ईसाई धर्म में या मुसलमान धर्म में लोग परिवर्तन करने के लिए चाहते हैं, लेकिन उसकी उल्टा होने लगी है। अन्य धर्म से लोग सनातन धर्म की ओर आकर्षित होने हो जा रहा है और आकर्षित होकर के सनातन धर्म को ग्रहण कर रहे हैं। तो इस विषय पर विशेष चर्चा हम करने जा रहे हैं आज, और मैं हूं सचिपुत्र गौरदास। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको हर वीडियो जो हम अपलोड करेंगे आप तक पहुंच जाए। तो खास करके एक न्यूज अभी 6 तारीख को हुई, जो कि सिया ओक बर्ड के जो कि चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने सनातन धर्म में घर वापसी हुए, सनातन धर्म को स्वीकार किया, वो अपने नाम बदल दिए। उन नाम को हम देंगे जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी। आपको सनातन धर्म में हार्दिक स्वागत। हम तो स्वागत कर दिए, आप बोलेंगे आप तो सनातन ही है, बहुत खुश हो रहे, लेकिन बाकी जो सनातन से मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, अन्य धर्म में जा रहे हैं, उनके लिए क्या है? सुखे दुखे समक कुत्वा, हम सुख में या दुख में दोनों में सम है, लेकिन इसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्या वास्तविक अपने आप को धर्मांतरीकरण कर लेने से, धर्म को परिवर्तन कर देने से व्यक्ति का परिवर्तन हो जाता है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। दिस इज ए वन क्वेश्चन। पहले समझते धर्म है क्या। जो धर्म शब्द है, धारयति इति धर्म, जो हमको धारण करता है। जैसा कि जल, जल का धर्म क्या है? तरलता। अगर जल को आपने आर्टिफिशियली उसको आइस बना दीजिए, स्टीम बना दीजिए, लेकिन कुछ समय के बाद फिर क्या होगा? ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। उसी तरह धर्म जो हमें बदलता नहीं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्मत सनुष्ठित, स्वधर्मे निधनम श्रेय परो धर्म भयावह। यहां पर धर्म का परिभाषा भगवान ने कहा कि योर ड्यूटी, कर्तव्य, हर व्यक्ति का जो कर्तव्य है ये क्या है? फिक्स्ड है। आप अन्य तरह तरह कार्य करते हैं, अगर आप छात्र हैं आप पढ़ाई करते हैं, अगर आप गृहस्थ हैं घर के कामकाज करते हैं, अगर आप वानप्रस्थी है संन्यास है तो समाज को शिक्षा देते हैं, टीचर आप, वकील है, डॉक्टर है, कुछ भी है, आप अपने कार्य करते रहते हैं। आपकी कर्ता श्रेयम स्वधर्म विगुण पर धर्म सनुष्ठित, अगर दूसरे की कार्य को आप ठीक से भी कर लेते हैं, सुनिश्चित रूप से करते हैं, लेकिन स्वधर्म निधर्म से अपने वृत्ति पर कार्य में मर जाना सही है, परो धर्म भयावह, दूसरे की धर्म भयावह है। और दूसरा श्लोक भगवान ने 18 नंबर अध्याय में कहा स्वभाव नियतम कर्म कुर्मन आपन कुर्बम नापनोत किड़बिषम। उन्होंने कहा कि अगर अपने धर्म को, नियत धर्म को, नियत कर्म को कर लेते हैं तो उसमें कोई पाप नहीं लगता है। तो अर्जुन को भगवान ने यह उपदेश क्यों दिया था? कि अर्जुन एक क्षत्रिय था, वॉरियर क्लास का था, जिनको युद्ध में लड़ाई करना था। हिज ड्यूटी वाज टू फाइट इन द वॉर बैटल फील्ड, बट वो पीछे हट रहे थे। इसलिए भगवान उनको कह रहे हैं कि आप वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय के धर्म को करिए, क्षत्रिय कर्तव्य को करिए।
परंतु इंग्लिश वर्ड जो रिलीजियन है, जिसको मजहब कहते हैं, ये रिलीजियन कोई धर्म नहीं होता, एक विश्वास होता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कहा गया है कि रिलीजियन इज ए काइंड ऑफ फेथ, एक विश्वास है। आज आपका कुछ विश्वास है, कल बदल सकता है। इसलिए कभी भी आप कंपेयर मत करना, कभी इन दोनों को मिलाना मत कि वो भी धर्म है ये भी धर्म। नहीं, वो धर्म नहीं है, वो तो एक विश्वास है जो बदलता है। लेकिन आज जो जितेंद्र नारायण सिंह जी जो है, जो सनातन धर्म को स्वीकार किया, वास्तव में उन्होंने धर्म को स्वीकार किया, उन्होंने अभी कार्य करेंगे। कौन सा कार्य करेंगे? ब्राह्मण का कार्य करेंगे। ब्राह्मण त्यागी ब्राह्मण समाज में उन्होंने उनको स्वीकार किया गया है। ब्राह्मण काम किया है, समोदम तप शौचम ख्यांति मार्जवम एवच ज्ञान विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। उन्हें अपने आप को तपस्या में अभी जोड़ देंगे, अपने आप को सनातन धर्म को रक्षा करने के लिए कर्तव्य करेंगे, कार्य करेंगे, प्रचार करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि आब्राहमिक रिलीजन में लिखा किया गया है, उसमें कोई ज्यादा उपदेश नहीं दिया गया है, एक मनुष्य को प्रयास किया गया है बेहतरीन एक मानव बनाने के लिए, मानने वाला, लेकिन तो ये तो पशु की तरह व्यवहार कर रहे हैं। मैंने 2 साल पहले एक स्कूल में गया था प्रोग्राम करने के लिए, जहां पर मैं ये प्रोग्राम कर रहा था कि वैल्यू एजुकेशन के एग्जाम, तो उस शहर में हर तरह के जो स्कूल है हमें परमिशन दे चुका था। अंतिम स्कूल बच गया था, वो स्कूल एक क्रिश्चियन स्कूल था। मैंने स्कूल में गया और वहां पर अप्रोच किया कि हमें आप मौका दीजिए कि आपके स्कूल में भी हम एग्जाम कराएंगे, फ्री एग्जाम है, ओपन एग्जाम है। पता है उन्होंने हमें क्या उत्तर दिया? उन्होंने कहा हमें कई कतई कोई एग्जाम के लिए आपको परमिशन नहीं देंगे। मैंने कहा ये बच्चों का मानसिक बौद्धिक तार्किक और जो मनुष्य के अंदर अच्छे गुण डेवलप होने वाला वो शिक्षा देंगे, उस एग्जाम कराएंगे, लेकिन उन्होंने हमें परमिशन नहीं दिया। दे आर कन्वर्टेड, अपने आप को परिवर्तित कर लिया उस मजहब में, उस धर्म में, इसलिए आज सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। इसलिए मेरा सभी आपसे अनुरोध है कि हमारी वैदिक ग्रंथ को पढ़ो। वैदिक ग्रंथों में भगवत महापुराण में एक सुंदर श्लोक बताया सुखदेव गोस्वामी उच्चारण की, धर्म प्रोजित कैतवत्र परम निर्मस्तरणम सत्तम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापो त्रयो उन्मीलनम श्रीमद भागवते महापुराणे महामुनि कृते किंबा परिरेश्वरे सद्य हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः सुश्रुभिः तत् क्षणात्। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, धर्म प्रोजित कैतव, व्यक्ति को उन कैतव धर्म को, छल धर्म, बी धर्म, अपधर्म, इन धर्म को छोड़ देना चाहिए, जो कि धर्म जैसा दिख रहे परंतु धर्म है ही नहीं। तो इसलिए यहां पर बताया गया कि कैतव धर्म, जो कैतव धर्म जो कि इंद्र तृप्ति करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है, क्या है उन धर्मों में, क्या है? केवल इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, बहुत सारे शादी करना, बहुत सारे बच्चे पर जन्म देना, हर तरह की इंद्रिय भोग करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए, उस धर्म को छोड़ देना चाहिए। तो यहां पर बताया गया अत्र परमो निर्मस्तरणम सत्तम, व्यक्ति को निर्मस्तर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए अपने हृदय से। वेद्यम वास्तवम अत्र, वास्तव धर्म को जानना चाहिए। वास्तव धर्म क्या है? जीव का धर्म है सेवा करना। किसकी सेवा करना है? माधव की सेवा करना है, भगवान की सेवा करना है, यह जीव का धर्म है। तो यहां बताया वेद्यम वास्तवम अत्र, तो
तो ये समझने वाला है, इसलिए हमारी सनातन धर्म में, हमारे संस्कृति में हर व्यक्ति को ये मौका दी जाती है कि आप इसको समझने की कोशिश करो, वास्तव जो वास्तव है वास्तवता को समझने की कोशिश करो। वस्तु शिवदम, और इसमें क्या है कि यहां बता शिवदम सारे समाज की कल्याण के लिए है। यस, वेद शास्त्र जो है सभी की कल्याण के लिए है। ताप त्रयोन्मूलनम, इस संसार में त्रिताप है, आदिभौतिक, आध्यात्मिक और आदिदेवी, इन तीन तापों से हमको मुक्त कर देता है। ये ज्ञान कहां प्राप्त होगा? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, स्वयं व्यास देव जी ने इन ग्रंथों का रचना की है। किंबा परिरे ईश्वर है, अगर कोई भगवान को जानना चाहता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण को रेफर करिए, अध्ययन करिए, भारतीय संस्कृति को जानने को कोशिश करिए। सद्यो हृदि अवरुद्ध्यते, हमारा हृदय में जो अवरुद्ध्यते है, जो अवरुद्ध कर रुकावट आ रहा है, ये रुकावट जो भौतिक भोग के लिए जो हमारा इच्छा है, ये रुकावट चला जाता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी परे व्यक्ति चला जाता है। कृति भी सुश्रुभि तत्क्षणात्, केवल श्रवण करने से तत्क्षणात् कृष्ण प्रेम बा भगवान की भक्ति की ओर जाता है। तो इसलिए वी नीड ए अपग्रेडेशन, हमको अपग्रेड करना है, अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। कई लोगों को हम पुस्तक वितरण के दौरान मिलते हैं जो अपने आप को बदल लिए हैं, अपने आप को चेंज कर लिया है अपने धर्म, अन्य धर्म में। मैं उनको पूछता हूं, क्या कभी आपने कोई ग्रंथों को अध्ययन किया, भगवद्गीता को अध्ययन किया, श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन किया? उत्तर नहीं है। तो हम सभी के लिए मौका है। क्या मौका है? भारत में अभी 30 करोड़ लगभग जो है अपने को कन्वर्ट कर दिए हैं, उन तक पुस्तक पहुंचाना है, उन तक हम प्रचार करना है। कैसे प्रचार करेंगे? फास्ट इंफॉर्मेशन इज टू गिव ए बुक। हमारे पास उर्दू में भी पुस्तक है, अगर आप उर्दू में किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन में नंबर है, वहां पर आकर के आप उर्दू में बुक्स जो है मंगा लीजिए। और हर भाषा में पुस्तक उपलब्ध है, और प्रचार करने के द्वारा ना आप ऐसे लोगों को मिलते हैं। काल एक सज्जन को मैंने मिला, उन्होंने आकर के उन्होंने कहा मैं भगवद्गीता पढ़ रहा हूं, उनको कोई गिफ्ट दिया है। कई लोग जानना चाहते, सभी लोग कृष्ण को जानना चाहते, कृष्ण आकर्षयति, कृष्ण कृष्ण सभी को अपने आर आकर्षित कर लेते हैं, सभी जानना चाहते हैं। आज रिपोर्ट आई है 6% लोग भारत में अभी सदमे में है, सोच में पड़ गए हैं कि अपने जो ये धर्म फॉलो कर रहे जो सो कॉल्ड नो, ये बर्बरता है। क्या है? किसी को उन्होंने मौका नहीं दे रहे बोलने के लिए, और कोई बोला तो उसकी गला काटो। ये कौन सा धर्म? गला काट धर्म नहीं है। तो आप समझाने की कोशिश करो। हां, वैदिक शास्त्रों में निंदुकों के लिए, जो निंदा करते हैं उनके लिए 3 तरह का आप डीलिंग उनके साथ कर सकते हैं, 3 ways। पहला है, अगर आप निर्बल है तो आप क्या करना है, वहां से छोड़ के चले जाए, कान बंद कर लीजिए। अगर आप सक्षम है बताने के लिए तो उनके साथ डिबेट करिए, उनको समझाइए। अगर आप बहुत पावरफुल है, कॉट द टोंग, ऐसा बताएगा जीवा काटने के लिए, गला काटने के लिए नहीं, लेकिन जीवा भी काट लेना है जो भगवान की निंदा कर रहा है। लेकिन कलियुग में जीवा काटने का जरूरत नहीं है। कलियुग में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पृथ्वी ते अछिजत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। ये पृथ्वी पृष्ठ पर जितना भी गांव है, कस्बे है, मोहल्ले है, नो देश है, हर जगह में भगवान के नाम गूंजेगा, भगवान के नाम का प्रचार होगा। तो इसलिए भगवान के नाम को हम प्रचार करना चाहिए। तो इसलिए आप सभी को ये बड़ा मौका है प्रचार करने के लिए।
अभी तो घर वापसी का प्रोग्राम, मुझे कई लोग कह रहे हैं कि घर वापसी प्रोग्राम में मदद करिए। हम भी घर वापसी का प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को कृष्ण के साथ जोड़ने की कोशिश करें, कृष्ण के साथ कृष्ण की से संबंध है उस संबंध को बता रहे हैं, ताकि संबंध को जब जानेंगे दे विल रिस्टोर देमसेल्फ इनटू सनातन धर्म। तो इसीलिए ये जो वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, जो बात है कि हमें परिवर्तन चाहिए, अपने आप में बदलाव चाहिए। एक छोटा सा स्टोरी सुना देता हूं। एक बार एक खरगोश क्या कर रहा है कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहा है, और मॉर्निंग वॉक करने के दौरान उन्हें देखा कि कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है, मुझे सहायता करो, मदद करो, हेल्प करो। तो ढूंढा, देखा तो एक मेंढक गड्ढा में गिरा हुआ है। तो मेंढक ने कहा कि मैं तो एक गड्ढा में गिर गया, मुझे थोड़ा बाहर निकालो, मुझे मदद करो। तो खरगोश ने कहा कि ठीक है, डोंट वरी, मैं आपके लिए एक अरेंज करता हूं, एक सीढ़ी वीढ़ी, तो आपको बाहर निकालूंगा, रस्सी थोड़ा ढूंढ के लाता हूं। जब ढूंढने गया और कुछ समय बीत गया, और रिटर्न जब आया, उन्होंने देखा कि भाई मेंढक तो बाहर है। कहां है बाहर? पूरा गड्ढे से बाहर। उन्होंने पूछा, तुम गड्ढे से बाहर कैसे आए? तो मेंढक ने कहा, एक्चुअली एक सांप अंदर घुस गया वो गड्ढे में, और सांप के डर के मारे मैं तो पूरा छलांग लगाई और सीधा आके ऊपर जमीन पे। हाँ, वो भी अपग्रेडेशन किया। क्यों? क्योंकि भय आया। भगवान गीता में कहते, मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति श्रीवाक् च नारीणाम स्मृति मेधा धृति क्षमा। तो हम देखते हैं कि मृत्यु के रूप में भगवान कृष्ण जब आते हैं, क्या तब तक हम वेट करेंगे? नहीं, उससे पहले करेंगे। हमारे सभी भाई, मानव जाति के, जो मानव समाज के सभी भाई को प्रभुपाद कहते, फर्स्ट बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, पहले तो हम उनको मनुष्य बनाए, बाद में धर्म कराएंगे। तो ये तो पिशाच, भूत पिशाच या पूरा राक्षस जैसा व्यवहार कर रहे हैं इन लोगों को हमें सिखाने में। नाम नहीं लेना चाहता इन लोगों, क्योंकि YouTube में कोई भी वीडियो ऐसा डालेंगे, नाम लेंगे तो उसको कट हो जाएगा। तो फिर भी इस घर वापसी परिवार प्रोग्राम में हम जो है परिवर्तन करना चाहते, बदलाव लाना चाहते, अपने अंदर बदलाव लाइए। और जो कन्वर्जन चल रहा है, जैसा कि नॉर्दर्न ईस्ट जो भारत में बहुत सारे ट्राइबल एरिया में आप देखते हैं, जो नॉर्दर्न ईस्ट जो स्टेट्स है वहां पर भी हम देखते हैं कि कई प्रकार की कन्वर्जन की जा रही है। तो उनको उन्होंने कपड़े दे रहे, एजुकेशन दे रहे, मेडिसिन दे रहे, और पानी का सुविधा कर रहे, तो लोग थोड़ा और वहाँ झुकाव में चले जा रहे हैं। तो लोग, लेकिन उनका ज़्यादातर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका जो मनुष्य जीवन मिला है, उस मनुष्य जीवन में जैसा कि मनुष्य की तरह रहना है, वो भी अनक्लीन। दूसरा है नो सिंपैथी फॉर अदर एनिमल्स, हम देखते हैं व्हाट टू एनिमल्स, पशुओं की तरह भी उन्होंने कोई ज़्यादातर उनका सिंपैथी नहीं है। तो इस तरह की वो पशु जैसा समाज है, तो उन सभी से हम क्या करना चाहिए, उन सभी को हमको हेल्प करना चाहिए, प्रचार करके, मदद करके। सो इस मैराथन महीना में आप जहां पर भी है, जिस अवस्था में भी है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि कौन सुनेगा, कौन है मेरे इस बातों को जानने के लिए कोशिश करेगा, ऐसा कोई बात नहीं, लाखों लाखों लोग हैं, उन तक इस बात को हमको पहुंचाना है, हम वहां तक पहुंचाना है। तो अगर बॉम्बे में आप रहते हैं, अगर आप मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, कृपया अंधेरी में स्टेशन लगी, अंधेरी स्टेशन में हमारा स्टॉल लगी हुई है, आप जरूर वहां पर पधार जाइए। 2 घंटा के लिए हो, 3 घंटा के लिए हो, 20 मिनट के लिए भी हो, कम से कम समय के लिए भी हो, आप जरूर आइए और इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करिए, और लोगों की परिवर्तन में उनको मदद करिए। थैंक यू वेरी मच। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नित्याय गौर प्रेमानंदे हरि भरि बोल।